एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जून 2020 में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन को सबक सिखाने वाले कर्नल बी संतोष बाबू को आज मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाने वाला है। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पिछले साल चीनी फौज को रोकने में संतोष बाबू ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया था। हालांकि वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसमें 20 जवान शहीद हुए थे। संतोष बाबू के साथ कई अन्य जवानों को भी आज मरणोपरांत सम्मानित किया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये कार्यक्रम दरअसल शुरू हो चुका है। गलवान के वीरों को आज इस शौर्य सम्मान से नवाजा जाएगा। शत्रु का मुकाबला करने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ये सम्मान समारोह चल रहा है। 4 शहीद वीरों को आज महावीर चक्र दिया जाएगा। इसके अलावा 2 शौर्य चक्र माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत भी प्रदान किए जाएंगे। मोमेंट्स ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज, दे हैव सर्वड द नेशन सेल्फलेसली एंड टुडे द नेशन सैल्यूट्स देयर करेज and duty towards the nation. Vayusena Pramukh Air Chief Marshal V.R. Chaudhary ko Param Vishisht Seva Medal se alankrit kiya jayega, jo ati asadharan koti ki vishisht seva ke liye diya jata hai. Alankaran grahan karne wale bahadur sainikon ke parijan दरबार हॉल में उपस्थित, उत्कंठा से प्रतीक्षा। कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा। एक बहुत ही खास अवसर है परिवार से जुड़े उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को देश के लिए सर्वोच्च योगदान करते हुए देखा है, उनके साक्षी बने हैं। सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह प्रथम पंक्ति में विराजमान दरबार हॉल में, सूबेदार संजीव कुमार जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा, उनकी पत्नी श्रीमती सुजाता देवी आज ये अलंकरण ग्रहण करेंगी, नायब सूबेदार एन सोरेन जिन्हें वीर चक्र प्रदान किया जाएगा मरणोपरांत, उनकी पत्नी लक्ष्मीमणि सोरेन ये अलंकरण ग्रहण करेंगी। शौर्य चक्र शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्य पूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है, और मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये अलंकरण ग्रहण करेंगी। सिपाही गुरतेज सिंह के परिजन भी दरबार हॉल में मौजूद। Also receiving the Veer Chakra is Havildar Tejinder Singh of 3 Medium Regiment. Shaurya Chakra is being conferred on Lieutenant Colonel Krishna Singh Rawat, 1st Battalion of the Parachute Regiment. Major Anil Urs, 4th Battalion Maharashtra Light Infantry. Rifleman Pranav Jyoti Das of the 6th Battalion of the Assam Rifles. Paratrooper Sonam Shering Ramang of the 4th Battalion of the Parachute Regiment and Wing Commander Vishak Nair, Flying Pilot. तो गलवान में जिस तरीके से हमारे 4 शहीद जो जवान थे उनको अभी देखिए वीर चक्र देने की बात हो रही है, शहीद संतोष बाबू को वीर महावीर चक्र दिया जाएगा। गलवान में चीनी सैनिकों से इन्होंने जो मुकाबला किया था, जो उन्हें खदेड़ा था, उस हिसाब से एक वीरता चक्र यहां प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो पिछले साल भारत और चीन की सेनाओं के बीच 15 जून को जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, उसमें जबरदस्त साहस को आज पुरस्कृत किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन में समारोह ये शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, 4 शहीद वीर चक्र से सम्मानित होने वाले हैं। ये तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। कर्तव्य परायणता
श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। श्वेता देखिए जिस तरीके से लोहा लिया भारतीय सैनिकों ने, दरअसल जितने भी सम्मान दिए जाएं वो कम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान मिलना वाकई उनके परिवार वालों के लिए गर्व का मौका। वाकई नेहा, जिस तरह से हम यहाँ पर देख भी रहे हैं राष्ट्रपति भवन का जो समारोह है, वहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति एक बार पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही वो पूर्ण हो चुका है। तो अब राष्ट्रपति यहां पर आएंगे और बिहार रेजिमेंट के जो जवान हैं जिन्होंने गलवान में विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि हम वहां पर सजग रहते हैं, तैयार रहते हैं, वहां पर निगरानी करते हैं हमारी सेना, लेकिन इस तरह के आघात के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस सन्नी के अनुसार LAC पर किसी भी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, वहां पर चीन ने मार्क्स द अराइवल ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद टू द दरबार हॉल। राष्ट्रगान के साथ इस समारोह की शुरुआत, दरअसल सभी गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद इन चार शूरवीरों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। गलवान घाटी में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन, चीन से लोहा लेते हुए इन्होंने देश के नाम अपनी जान हंसते हंसते गवा दी। महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रुओं के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में
अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र सूबेदार संजीव कुमार, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। चार अप्रैल 2020 को सूबेदार संजीव कुमार एक विशेष बल टुकड़ी के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी टुकड़ी को पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का खात्मा करने, घुसपैठ ट्रैक को बंद करने के लिए विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से कश्मीर की मुश्किल बर्फीली पहाड़ियों में उतारा गया। घुसपैठ कर चुके आतंकवादियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए 5 घंटे से भी अधिक समय तक कमर से गहरी बर्फ से जूझते हुए सूबेदार संजीव कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के संभावित स्थान के नजदीक पहुंचे। इसी बीच उनके 2 साथी बर्फ पर फिसलने के कारण एक नाले में जा गिरे एवं आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से घायल हो गए। सूबेदार संजीव कुमार अपने साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाले में कूद गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। जो ही दूसरे सैनिक को निकालने के लिए वो दोबारा मुड़े, एक छिपे हुए आतंकवादी ने उनके बाकी साथियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर आए खतरे को भांपते हुए सूबेदार संजीव कुमार उस छिपे हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया। अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वह पुनः अन्य आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए एवं अंततः मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अतुलनीय नेतृत्व एवं पराक्रम की प्रेरणा से उनके दल ने 5 कट्टर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार संजीव कुमार ने विषम परिस्थितियों में 1 खूंखार आतंकवादी को मार गिराने, 2 आतंकवादियों को घायल करने एवं अपने घायल सैनिकों को बचाने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा भाव का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती सुजाता देवी। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के दुर्गम क्षेत्र में तैनात थे। शत्रु सैनिक
घातक हथियारों के साथ आक्रामक हमलों से उनके सैनिकों द्वारा की जा रही प्रेक्षण चौकी स्थापना में भीषण बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सूबेदार नुदुराम सोरेन ने अत्यंत मुश्किल हालात में अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया, शत्रु के उन सभी प्रयासों का मुंह तोड़ जवाब दिया जिससे वह भारतीय सैनिक टुकड़ियों को वापस लौटाना चाहते थे। विषम परिस्थितियों में घायल होने के बावजूद जिस अद्वितीय पराक्रम एवं असीम निर्भीकता से उन्होंने दुश्मन का सामना किया उसने शत्रु दल को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनके इस प्रेरणादायक शौर्य प्रदर्शन ने उनकी सैन्य टुकड़ी को मोर्चे पर डटे रहने के लिए एक नए जोश का सृजन किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद यह शूरवीर सिपाही आखिरी सांस तक गलवान की दुर्गम पहाड़ियों में अपने मोर्चे पर डटा रहा और अंततः मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नायब सूबेदार नुदुराम ने शत्रु का सामना करते हुए अदम्य साहस, अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा एवं असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मणि सोरेन। हवलदार के पलानी 81st फील्ड रेजिमेंट मरणोपरांत। हवलदार के पलानी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अंतर्गत पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के मुश्किल इलाके में तैनात थे। 15 जून 2020 की रात हवलदार पलानी को 16 बिहार बटालियन के हिस्से के रूप में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अचानक दुश्मन ने इनका घेराव करते हुए इन पर आक्रमण कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में अद्वितीय साहस एवं संयम का परिचय देते हुए यह शूरवीर सैनिक आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन से जा भिड़ा। दुश्मनों की संख्या अचानक बढ़ने एवं हथियारों से उनके द्वारा किए गए हमले में घायल होने के बावजूद अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो मोर्चे पर डटे रहे। आखिरी दम तक उत्कृष्ट मानसिक संतुलन के साथ दुश्मन के आक्रमण का बहादुरी से जवाब दिया, अपने साथियों को बचाते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पराक्रम एवं प्रतिबद्धता ने उनके अन्य सैनिकों को और जमकर मुकाबला करने तथा दुश्मन का प्रबलता से प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। अद्वितीय साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं अतुलनीय सेवा भाव का परिचय देते हुए हवलदार के पलानी ने राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार पलानी की पत्नी श्री बांति देवी। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी, वो अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने लगे। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आई,
लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। दुश्मनों की संख्या भारतीय सैन्य टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह। सिपाही गुरतेज सिंह, तीसरी बटालियन, द पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। June 15, 2020 को गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान सिपाही गुरतेज सिंह को प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने भारतीय सैन्य टुकड़ियों के खिलाफ योजना बनाती दुश्मन सैन्य टुकड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक उग्र भिड़ंत में परिवर्तित हो गई, जिसमें दुश्मन सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। भिड़ंत में दुश्मन सैनिकों ने घातक हथियारों का प्रयोग किया और अपनी सैन्य टुकड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी। सिपाही गुरतेज सिंह ने आमने सामने की उग्र भिड़ंत में निडरता, अदम्य साहस और असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी चिंता किए बगैर वो बहादुरी से लड़ते रहे और सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने अपने पेट्रोल दल के कई साथी सदस्यों की जान भी बचाई। सिपाही गुरतेज सिंह ने विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही गुरतेज सिंह की माता श्रीमती प्रकाश कौर एवं पिता श्री विरसा सिंह। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 21वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद, जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में दो आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजीम मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया। शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और 1 स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी।
अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल अब एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल। एयर मार्शल नवकरणजीत सिंह ढिल्लों अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी सेवानिवृत्त। एयर मार्शल राजेश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एडीसी सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक ताराकांत उपासनी अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल बार, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सरनजीत सिंह, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सबरवाल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। राष्ट्रपति भवन से सम्मान समारोह की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।